प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और त्योहारी मांग की वजह से आलू की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने में आलू के रेट में 200 से 400 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है। कुछ उत्पादक क्षेत्रों में बारिश के कारण शुरुआती बुवाई में देरी हुई है, इस वजह से भी कीमतों में तेजी आई है। पश्चिम बंगाल में ज्योति किस्म का आलू थोक भाव वर्तमान में 1200 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, जो एक महीने पहले 900 से 1000 रुपए था। वहीं उत्तर प्रदेश में कीमतें 1200 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल के दायरे में मंडरा रही हैं। पिछले महीने यही रेट 800 से 1000 के बीच था। यूपी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुसार अधिक उत्पादन के बावजूद बेमौसम बारिश और मजबूत मांग के कारण कीमतों में मजबूती बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में आलू का उत्पादन भी इस साल लगभग 16% बढ़कर 110 लाख टन हो गया है, जो 2020 में 95 लाख टन था। यूपी कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष के अनुसार एक सामान्य वर्ष के दौरान लगभग 70% की तुलना में अब तक कोल्ड स्टोरेज से करीब 60% स्टॉक जारी किया गया है। आवक अच्छी रही है, लेकिन बारिश के कारण कीमतों में मजबूती बनी हुई है। आमतौर पर लगभग 30% स्टॉक साल के इस समय के आसपास यूपी में कोल्ड स्टोरेज में छोड़ दिया जाता है। हालांकि इस साल करीब 40% आलू अभी भी कोल्ड स्टोरेज में पड़े हैं। ये देखते हुए कि उत्पादन भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30% अधिक है, कोल्ड स्टोरेज में अच्छी मात्रा में स्टॉक है। किसान और व्यापारी कीमतों में और वृद्धि के इंतजार में अपने स्टॉक को रोके हुए हैं। हालांकि कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी भी एक अच्छा स्टॉक है। उन्हें मौजूदा स्तर पर बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर कीमतें नीचे आ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग 30% स्टॉक अभी भी कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है। देर से बुवाई के कारण अगेती किस्म पोखराज आलू की आवक में करीब एक महीने की देरी होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के अनुसार शुरुआती किस्म आमतौर पर दिसंबर की शुरुआत में आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस साल जनवरी के पहले सप्ताह तक इसके उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। पूजा की मांग खत्म होने के बाद कीमतों में कुछ गिरावट हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।